हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो दो कोण आते हैं उनका योगफल एवं उनके अंतर के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन आएंगे। उन सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं, आज पूरा कवर करते हैं इसमें। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दो कोणों योगफल एवं उनके अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि त्रिकोणमिति रेशियो की अगर मैं बात करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ क्या दिया हुआ है यहां पे मेरे प्यारे दोस्तों, ऑफ टू एंगल्स। ठीक, टू एंगल्स। तो देखिए बाइलिंगुअल क्लास, कुछ बच्चों की क्यूरी आ रही थी कि सर इंग्लिश में भी पढ़ाइए, तो मैंने चीजों को जो है कि बिल्कुल दोनों तरीके से बाइलिंगुअल लेके चलूंगा यहाँ पे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको निकालने के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला आते हैं वो आप लोगों को लिख लेने होंगे। तो बेसिक फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं कि क्या आता है वो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पहला अगर मैं बात करूं, आता है आपका साइन ए प्लस बी क्या होता है, उसके बाद से आता है आपका साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है ये देखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए साइन ए की अगर मैं बात करूं तो साइन ए हो जाएगा इंटू कॉस बी हो जाएगा प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं होना चाहिए। साइन ए माइनस बी क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग हमें बताइए कि यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दो कोणों के योगफल एवं अंतर के लिए कोसाइन का जो फॉर्मूला आता है, यानी कि ये तो साइन का फॉर्मूला था, साइन बेस्ड था। अब देखिए कोसाइन, कोसाइन बेस्ड जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है और कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है उसको समझिए। तो देखिए ये होता है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, सेम थिंग्स, उतार देना है, माइनस की जगह पे प्लस कर देना है। बस यही आपका साइन का होता है। ठीक है, कोसाइन का होता है। उसके बाद से मैं बात करूं कि जो टैन बेस्ड आते हैं, टेंजेंट बेस्ड आते हैं, उनके बारे में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां पे लिख देता हूं मैं टेंजेंट बेस, यानी टेंजेंट का मतलब होता है आपका टेन थीटा पे जो आधारित होंगे, उसके बारे में मैंने बता चुका हूँ। मैं बता चुका हूँ कि जो रेशियो निकालते थे पहले, तो तीन रेशियो हम एजप्शन किए थे जिसमें आपका साइन कोसाइन और टेंजेंट आया था। ठीक है, तो टेंजेंट का मतलब वो आपका हो गया टेन थीटा से रिलेट। ठीक, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन ए प्लस बी क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन होगा आपका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि ए माइनस बी के लिए क्या होगा, तो देखिए ए माइनस बी के लिए क्या होता है, तो ए माइनस बी के लिए कुछ नहीं होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, यानी कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, यही है बस अंतर डिफरेंस, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। माइनस की जगह पे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, इसमें भी साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसके लिए क्या होता है कॉस बी फोर में हो जाता है, पहले साइन
प्लस के बाद में होता है या माइनस के बाद में होता है। अब कॉट की बारी आ गई कि कॉट में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझना है कॉट में। देखें कॉट का आप लोग देख लीजिए, कॉट ए प्लस बी क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन। अपॉन में क्या करेंगे आप लोग, यहां सोचना है, यहां से भी आप लोग देख सकते हैं कि इसके अपॉन में क्या करें कर सकते हैं। तो बताइए आप लोग क्या कर सकते हैं। देखिए इस चीज को क्या हुआ है, ये इसका उल्टा होता है। आपको समझ लेना है कि टैन जो है कि जब ये यूनिवर्स होता है कॉट का, यानी कि टैन का यूनिवर्स कॉट होता है, तो ये क्या होगी चीजें, ये पलट जाएगी बस कॉट में हो जाएंगी। तो देखिए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़े। अगला आता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए आप लोग, माइनस में आता है। तो देखिए कि कॉट लिखेंगे ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए आप लोग, किसको, इसको पलट दीजिए, जब इसको आप लोग पलटेंगे तो क्या होगा बताइए, आप लोग हमें बता सकते हैं कि क्या होगा। ये वाली पोजीशन कहां जाएगी, नीचे जाएगी, और ये वाली पोजीशन कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वन प्लस आपका हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी, अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉट बी। समझना है, फिर से समझा देता हूं। देखिए अगर यहां की अगर मैं बात करूं तो ये इसका यूनिवर्स होता है, तो समझिए ये अगर कॉट हम करेंगे इसको कन्वर्ट, तो कॉट ए माइनस बी, ठीक, ये पलटेगा तो वन प्लस कॉट में है तो कॉट ए इंटू कॉट बी हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉट बी। इसी तरह सेम थिंग्स ये भी है, इसको प्लट देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। तो ये थे बेसिक फॉर्मूला जिन पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा। तो यहां से आप लोग एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसको मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि क्या लिख सकते हैं। इसके लिए भी लिख सकते हैं एक चीज डायरेक्टली आप लोग याद कर लेंगे, तो टैन की अगर मैं बात करूं तो टैन यहां पे अगर आप लोग लिख देते हैं, क्या करते हैं टैन लिख देते हैं, और ए प्लस बी यहां अगर मैं बात करूं और यहां पे, तो प्लस माइनस दे सकते हैं, क्योंकि एक बार माइनस लेना है एक बार प्लस लेना है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिखेंगे टैन ए प्लस माइनस टैन बी अपॉन क्या है, वन प्लस माइनस टैन ए इंटू टैन बी। बस ये डायरेक्टली दोनों एक ही बार में लिख गया फॉर्मूला, यहां से भी दोनों एक ही बार में लिख जाएगा, क्या लिख जाएगा, कॉट क्या लिख देंगे आप लोग, ए प्लस बी प्लस माइनस, यहां लिख देंगे आप लोग कॉट ए इंटू इंटू कॉट बी प्लस माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस माइनस कॉट बी। बताइए एक ही बार में लिख गया दोनों फॉर्मूला, किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, आगे बढ़े। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आप लोगों को समझना है। और ये जो है आपका प्राविधिक शिक्षा परिषद, चाहे आपका उत्तर प्रदेश का हो, या मैं बात करूं आपका बिहार का हो पॉलिटेक्निक, या आईईआरटी हो, आईईआरटी और यूपी पॉलिटेक्निक के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे सारे क्वेश्चन, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल जो है कि थोड़ा बढ़ गया है, और थोड़ा बढ़ गया है जिसके वजह से जो है कि क्वेश्चन जो है इस टाइप से पूछने लगा है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है कि हम लोगों के साथ लगातार बने रहना है इस 30 दिन तक, ताकि आपको एक एक चीज हम लोग बता दें, ताकि जब आप पेपर में देने जाएं, पेपर देने जाएं, तो आप ये कहें एग्जैक्ट कि हाँ सर जो है कि आपके पढ़ाए हुए से कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मेरी गारंटी है कि आप लोग जो है कि अगर 50 क्वेश्चन जो है कि आता है, ठीक है, 50 क्वेश्चन मैथ आता है, तो मैथ में से कम आप लोग जो है कि 40 प्लस जाने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 40 प्लस अगर जाने वाले हैं, अगर रेगुलर आप हमारे साथ जो है कि विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। आइए समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, तो चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है आज का वो कितना प्यारा है, तो उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है उसको समझिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका cos 45 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू sin 15 डिग्री दिया हुआ है।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, मान निकालना है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये तो फॉर्मूला बेस्ट है। कौन सा फॉर्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों, cos a into cos b plus sin a into sin b, यानी कि cos a minus b का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। आपको देखिए एक अंतर बता देता हूं मैं कि cos a plus b में क्या होता है, आपका माइनस का चिन्ह आता है, और cos a minus b में क्या होता है, बीच में आपका प्लस का चिन्ह आता है, इतना आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं कि क्या दिया हुआ है, तो समझिए पहले में ऑप्शन दिया हुआ है एक, दूसरे में ऑप्शन दिया हुआ है 1/√2, तीसरे में ऑप्शन दिया हुआ है 3/√2, और चौथे में ऑप्शन दिया हुआ है 2/√3। इसको हल करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे करेंगे, देखिए इसको दो मेथड से मैं कराऊंगा आपको, किस तरीके से आपको ये इससे भी कराऊंगा, ठीक है, और बेसिक से भी कराऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि cos माइंड में क्लिक करना चाहिए, ये क्या है आपका फंक्शन a है, और ये आपका क्या हो गया b हो गया। ठीक है, तो a माइनस b यानी कि 45 - 15, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपको cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल जो है आपके 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए कि इससे कैसे करेंगे, इससे समझिए, देखिए cos का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है, ये cos का फॉर्मूला है, cos का मान ही यहाँ पे आएगा, कोई भी आएगा। तो अब देखिए कि 45 और 15 आपको दिया हुआ है, तो दोनों का अंतर अगर फॉर्मूला आपको याद है तो अंतर सीधे देख लीजिए कि 45 और 15 का अंतर कितना है, तो 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान आपका √3/2 होता है, सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा, इतना करने की जरूरत ही ना है आपको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है दूसरा क्वेश्चन उसको समझना है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो tan आपका दिया हुआ है 75 डिग्री, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस दिया हुआ है आपका tan 30 डिग्री, अपॉन दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं तो 1 + 1 + tan 75 into tan 30 डिग्री। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, तुरंत आपके माइंड में जो है कि क्लिक करना चाहिए कि ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सीधे सीधे, तो इसका मान निकालना है। तो इसके लिए ऑप्शन मैं दे देता हूं आप लोगों के लिए, क्या दे देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ये देखिए इसके लिए ऑप्शन सुन लीजिए, आपका 1 दे देता हूं, दूसरे में आपका √3 दे देता हूं, तीसरे में आपका जो है कि 1/√3 दे देता हूं, और चौथे में आपको जो है कि इनफाइनाइट दे देता हूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब ये फॉर्मूला बेस्ड है तो कौन सा फॉर्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों, tan a माइनस b का, किसका है, tan a माइनस b का फॉर्मूला है। तो इसको करेंगे कैसे, समझिए कि tan a माइनस b का है, तो देखिए यहां से सीधे सीधे आपको क्या करेंगे, tan आपका सीधे 75 और माइनस 30 करेंगे, तो बताइए 75 में से 30 घटा आपका तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, और tan 45 का मान 1 होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे पहला आंसर लगा देना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, कहां पूछा गया था, ये प्रावैधिक शिक्षा परिषद में उत्तर प्रदेश में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन से सीधे 75 में से 30 घटेगा 45, और tan 45 का मान 1 होता है, सीधे आंसर, इतना करने की जरूरत ही ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। तो तीसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आपको निकालने हैं कि साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कैसे कर सकते हैं, इसका दो तरीका है। ठीक, एक तो साइन आप लिख दीजिए कितना, 45 + 30, ये हो गया, यानी कि ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, यानी आपका कंसेप्ट निकल के आ गया साइन ए प्लस बी, क्या आ गया, साइन ए प्लस बी आपका आ गया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए जो है कि आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिख दूं मेरे प्यारे दोस्तों, √3 +
टू अपॉन टू रूट थ्री पहले में, दूसरे में ऑप्शन लिख देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। इसके लिए क्या लिख देता हूँ आपको, देखिए रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट थ्री लिख देता हूँ। तीसरे में ऑप्शन लिख देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिख दूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें लिख देता हूँ आपका रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू। चौथे में ऑप्शन लिख देता हूँ जीरो। ठीक है, अब इसको देखिए कि कैसे करेंगे, समझना है इसको मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपका साइन ए प्लस बी क्या होता है कि साइन ए यानी कि 45 इंटू कॉस बी। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, कॉस 45 इंटू क्या हो जाएगा साइन 30, यही तो फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। साइन 45 का मान 1 अपॉन रूट 2 सबको पता है, क्योंकि मैं लिखवा चुका हूं ऑलरेडी, उसको कंसेप्ट बताया कैसे निकल के आता है ये। कॉस बी, कॉस यहां पे बी के जगह पे आप क्या लिखेंगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो कॉस बी 30 डिग्री रूट 3 बटा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, यहां पे अगर मैं करूं तो 1 अपॉन रूट 2, ठीक, और यहां पे करूंगा तो 1 अपॉन 2। ठीक, क्लियर है। अब देखिए कि यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट थ्री और यहाँ पे टू रूट टू और प्लस यहाँ पे टू रूट टू। देखिए टू रूट टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट थ्री प्लस वन यानी कि रूट थ्री प्लस वन अपन टू रूट टू। देखिए यहाँ भी आप लोग इससे कर सकते हैं, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है मैं बात करूं तो देखिए एसएससी में भी पूछा जा चुका है, कब, अभी 2011 की मैं बात करूं इसमें पूछा था, फिर आपका किस में पूछा था, अभी सीपीओ एसआई में पूछा था, उसके बाद से अगर मैं बात करूं प्रावैधिक शिक्षा परिषद 2006 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद से देखिए इसको कैसे करेंगे, इससे कैसे करेंगे समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए साइन 45, आप लोग जानते हैं कि साइन 45 का मान 1 अपॉन रूट 2 होता है, दिमाग में बैठाइए 1 अपॉन रूट 2, और इसका जो है कि कितना होता है 1 अपॉन 2 होता है, तो क्या बन जाएगा यहां से 1 अपॉन 2 रूट 2 बन सकता है, एक इसका मान 1 अपॉन 2 रूट 2, और एक बार करेंगे जहां कॉस 30 आएगा तो वहां पे बैठा देना है कि रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 यहां पे बन जाएगा, तो सीधे सीधे रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 एलसीएम, यानी कि थर्ड ऑप्शन सीधे सीधे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, ना ये लिखने की जरूरत है, सीधे इतना आ जाएगा आपका, इतना भी नहीं लिखेंगे तो रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 लिख लेना है। थोड़ी सी आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी, और उस प्रैक्टिस के बदौलत आप लोग जो है कि चीजों को बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन आता है उसकी अगर मैं बात करूं कि क्या आता है, उसको समझिए कि क्या है। तो देखिए आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है कि टेन ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए आपको क्या है दिया गया है, दिया गया है यानी कि गिवन डैट है, गिवन डैट, ठीक है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, दिया हुआ है कि टेन ए बराबर आपको दिया हुआ है रूट थ्री बाई रूट फोर माइनस सॉरी रूट नहीं है फोर माइनस रूट थ्री दिया हुआ है। ठीक, और टेन बी दिया हुआ है आपको, गिवन डैट है क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, रूट थ्री अपॉन दिया हुआ है आपका फोर प्लस रूट थ्री, क्या दिया हुआ है फोर प्लस रूट थ्री। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन की अगर मैं बात करूं कि क्या है, इसका मान क्या आया हुआ है, तो इसका मान आपका आया हुआ है थ्री अपॉन एट की अगर मैं बात करूं कि थ्री अपॉन एट है आपका, दूसरा मैं बात करूं कि फाइव अपॉन एट है, और तीसरा मैं बात करूं कि फोर अपॉन थ्री है, चौथा मैं बात करूं कि आपका एट अपॉन फाइव है। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके, और अकॉर्डिंग लाना है ए माइनस बी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है आपको, कैसे करेंगे समझना है आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि टेन ए माइनस बी क्या होता है, तो ये होता है आपका टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में होता है आपका वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, यही होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों।
कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि आप लोग चाहें तो यहीं पे इसको जो है कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको छोटा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये फंक्शन निकालने हैं कि ये कितना होगा, ठीक है। तो tan देखिए, tan a माइनस tan b निकालना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे रूट थ्री अपॉन फोर माइनस रूट थ्री माइनस यहाँ पे है आपका रूट थ्री अपॉन फोर प्लस रूट थ्री, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ तक हमारा ये मानना है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एक बात बताइए कि चार माइनस रूट थ्री इंटू ये हो जाएगा चार प्लस रूट थ्री, यहाँ से ये जो है कि कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फोर रूट थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, रूट थ्री से रूट थ्री, रूट थ्री रूट उड़ जाएगा, थ्री बच जाएगा, माइनस यहाँ से ये कैंसिल, ये बचेगा, तो ये बताइए फोर रूट थ्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा थ्री। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तीन और तीन छः, ठीक। और यहाँ मैं बात करूँ तो इनका स्क्वायर चार चौका स्क्वायर सोलह हो जाएगा, चार का स्क्वायर, और माइनस ये कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर तीन, तो यहाँ से निकल के आया आपका क्या निकल के आया, सिक्स अपॉन तेरह, ये निकल के आया आपका, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको निकालते हैं, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, देखिए वन प्लस कर दें टेन रूट थ्री अपॉन फोर माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री अपॉन फोर प्लस रूट थ्री। अब देखिए वन प्लस रूट थ्री, रूट थ्री थ्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका तेरह, ठीक। तेरह तेरह एकम तेरह और तेरह तीन सोलह, सोलह बट्टा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सोलह बट्टा तेरह, इतना हो गया। तो दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए कि आपको रखना है वैल्यू, तो रखना वैल्यू रखिए सीधे सीधे यहाँ पे, इसका मान आपका कितना आया है छः अपॉन तेरह, ठीक, और इसका मान कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों सिक्सटीन अपॉन थर्टीन, यानी कि सिक्सटीन अपॉन थर्टीन, ठीक है। अब देखिए थर्टीन से थर्टीन कैंसिल, टू थ्री जा और टू एट जा, तो आपका आंसर क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों थ्री बाई एट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक नंबर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज और आप लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं आप लोग कि क्या कर सकते हैं इसको शॉर्ट बनाने के लिए। शॉर्ट बनाने के लिए आप लोग इसको या तो डायरेक्टली यहीं पर हल कर लेंगे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा के, ठीक है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ये मेथड है आपका एक और जो आप लोग यहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आता है उसको समझिए कि क्या है। तो दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन में है आपका कि कॉट ए अपॉन वन प्लस कॉट ए, ठीक है, बीच में दिया हुआ है आपका तो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए कि क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि cot a अपॉन वन प्लस cot a इंटू cot b अपॉन, क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, cot b अपॉन वन प्लस cot b बराबर वन अपॉन टू दिया हुआ है। तो पूछा है आपसे कि a प्लस बी बराबर क्या होगा, इसका मान निकालना है कि a प्लस बी बराबर क्या होगा। ऑप्शन सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए 225, ठीक। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए दिया हुआ है 180, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों 135, ठीक। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपको 240 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है, अगर आप आईईआरटी का पेपर दे रहे हैं तो आईईआरटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में भी पूछे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है।
तो आप लोग जो है कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आप एक चीज देखिए कि अगर मैं कहूं कि ऑप्शन में से आप किसी एक को ले लीजिए, क्या ले लीजिए, किसी एक को ले लीजिए, जैसे आपका 180 हमने ले लिया, तो 180 tan 180 ठीक है ले लिया, तो ये थर्ड एंगल में आपका नहीं होगा, ठीक है, थर्ड एंगल में तो नहीं जाएगा। अगर 135 ले लिया तो सेकंड एंगल में चला जाएगा, तो cot आपका माइनस में हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पे लेंगे 90+90 तो भी ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे लेंगे आपका 240 तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए समझिए कि 240 अगर लेते हैं तो 270 और आपका जो है कि 270 में से 30 √3 आ जाएगा, वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए हम लेंगे यहाँ पे आपका 225। क्या लेंगे, 225 डिग्री अगर लेते हैं हम लोग, तो देखिए एक चीज बताइए कि 225 डिग्री को मैं कहूँ कि आप लोग 180 प्लस 45 डिग्री ले लीजिए, किसी को कोई डाउट, वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी, यानी कि देखिए कॉट में बात करूँ, कॉट ए प्लस बी में आप लोग क्या कर सकते हैं कि कॉट 180 प्लस 45, ठीक है। अब देखिए कि थर्ड एंगल में है तो ये चेंज तो होगा नहीं, तो ये कॉट ही रहेगा, तो 45 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाता है, एक होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि जब एक होता है तो एक बात बताइए मुझे आप लोग कि कॉट ए प्लस बी, ठीक है, बराबर अगर मैं बात करूं कि इतना बराबर, अगर इतना वैल्यू रखेंगे तो आपका एक आएगा, तो मैं कहूं कि इतना बराबर आपका कॉट ए प्लस बी बराबर 1 रख दीजिए, बराबर अगर मैं कहूं आपसे कि आप रखिए कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन क्या रखिए कॉट ए प्लस कॉट बी, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, क्यों मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इतना बराबर इतना तो होता है, क्या होता है, इतना बराबर इतना होता है कि नहीं होता है, बताइए आप लोग हमें बताइए कि होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है, किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कॉट ए प्लस कॉट बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 हो जाएगा, किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कि इसको मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस 1 बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी, यहां तक भी कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक चीज समझिए आप लोग क्या कर सकते हैं यहां पे, अब यहां पे क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों तरफ कॉट ए इंटू कॉट बी आप जोड़ दीजिए, क्या करिए, दोनों तरफ कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी, ठीक है, बराबर यहां भी कर दीजिए कॉट ए इंटू क्या करिए आप कॉट बी करिए प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी कर दीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूं तो कॉट ए प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 कॉट ए हो जाएगा प्लस यहां पे कॉट बी और कॉट, क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों उसको समझिए कि कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पे ये क्या हो जाएगा, 2 कॉट ए हो जाएगा, यानी कि 2 कॉट ए इंटू कॉट बी हो जाएगा, यहां पे बराबर ये लिख सकता हूं कॉट ए इन प्लस कॉट बी प्लस 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी कॉट बी, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर सकते हैं इसके लिए, अब यहां पे 2 कॉट ए है, 2 कॉट ए इंटू कॉट बी है, तो क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों उसको समझना है आपको। अब एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां क्या कर सकता हूं, कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर यहां पे क्या कर सकता हूं 1 प्लस कॉट ए कर सकता हूं,
और यहाँ पे 1 प्लस कॉट बी कर सकता हूँ। जब ये करेंगे तो बताइए ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1, 1 का कॉट बी आ जाएगा और कॉट ए से कॉट ए प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब देखिए कि दिया हुआ है आपको ये कि कॉट ए अपॉन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 अपॉन कॉट ए ठीक इंटू हो जाएगा ठीक है बराबर क्या हो जाएगा आपका, मैं कहूं कि 1 प्लस कॉट बी, यानी कि ये एक चीज बताइए कि यहां पे कॉट बी कर सकता हूं और ये नीचे आ जाएगा तो 1 प्लस कॉट बी बराबर इधर बचा 1 और ये 2 उधर जाएगा तो 2, यानी कि इतना बराबर इतना क्या हुआ आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, 225 डिग्री। कितना हो जाएगा 225 डिग्री, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े ठीक है, समझ में आया, फिर से समझा देता हूं एक बार। देखिए क्या करना है आपको, इन इनको जो है कि उठाएंगे, इनमें से कोई वैल्यू उठाएंगे। देखिए 180 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 प्लस 90। देखिए यहां पे क्या करेंगे कि कॉट 180 है तो ये 90 प्लस 90 करेंगे, कौन से एंगल में चला गया मेरे प्यारे दोस्तों, सेकेंड एंगल में, वहां पे कॉट क्या होगा माइनस में आ जाएगा ठीक। इसके बाद से यहां देखिए 135, 90 प्लस कितना करेंगे 45 डिग्री, ये भी सेकेंड एंगल में चला गया, ये 240 करेंगे 240। तो देखिए इसको क्या करेंगे, अगर मैं करता हूं आपका 180 प्लस 60 थर्ड एंगल में चला जाएगा ठीक है, किस में चला गया 180 और 260, ये जो है अगर इसका मान निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, रूट 1/√3। लेकिन मुझे ये करना नहीं है, हमें करना है 1, हमें देखना है किस में 1 वैल्यू आ रही है, कि कॉट का वैल्यू 1 जो आ रही है वो किस में आ रही है ये देखना है हमें ठीक है। तो 1 आपका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसी में आएगा, देखिए कैसे आप 180 प्लस 45 करेंगे तो 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो हमें 1 लाना था क्योंकि इसके बराबर ये वाला फॉर्मूला है, तो इसके बराबर 1 लिख देंगे तो पक्षांतर करने में हमें क्या हो जाएगी बिल्कुल आसानी हो जाएगी ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर लेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों इसी से संबंधित। देखिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो गिवन डेट है आपका cos a माइनस b बराबर 1/2 ठीक है, उसके बाद से दिया हुआ है sin a प्लस b, sin a प्लस b बराबर 1/2, ये भी आपका क्या है ये गिवन डेट है ठीक। अब जब इतना आपका दिया गया है तो पूछा है a तथा b के न्यूनतम धनात्मक मान क्या होंगे, यानी कि a कमा b के न्यूनतम पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, यानी कि पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक, धनात्मक मान पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो पहले में आपका ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, π/4 × π/12। दूसरे में ऑप्शन दिया हुआ है अगर मैं बात करूं कि क्या दिया हुआ है तो 7π/12, यानी कि 7π/12 × π/4। तीसरे में ऑप्शन दिया हुआ है आपका अगर मैं बात करूं तो 2π/3, यानी कि 2π/3 / π/3। और चौथे में ऑप्शन दिया हुआ है नॉट, नॉन ऑफ दिस। तो इसको करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे समझिए। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है cos a माइनस b बराबर क्या दिया हुआ है 1/2। अब बताइए cos में किसका मान होता है 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे cos a माइनस b बराबर, यहाँ लिखेंगे cos 60 डिग्री, कोई दिक्कत किसी को, कैंसिल cos से cos, a माइनस b बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका sin a प्लस b बराबर कितना दिया 1/2, 1/2 साइन में किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो देखिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन आपका हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये कैंसिल और ए प्लस बी बराबर कितना 30 डिग्री, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब दोनों इक्वेशन को अगर हम हल कर लेते हैं
तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर 60 डिग्री और a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। और देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर कितना, ये 90, यानी कि a बराबर कितना होगा 45 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, a बराबर अगर यहाँ पे 45 रखते हैं तो b का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो ऋणात्मक आ रहा है, यानी कि a का मान 30 लेने पर a का मान a प्लस बी का मान 30 लेने पर b का वैल्यू क्या आएगा आपका, ऋणात्मक आ जाएगा, b का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। ठीक, जब निगेटिव आ जाएगा तो हम इसको तो ले नहीं सकते हैं, a प्लस बी बराबर 30 डिग्री नहीं ले सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये नहीं ले सकते हैं तो कितना ले सकते हैं, अब आप लोग बताइए हमें कि साइन में हमें 1/2 मान किसका होगा। अगर मैं 150 ले लूँ, कितना ले लूँ 150, तो 150 का मान 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए कैसे हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि आप साइन ए प्लस बी बराबर रखिए साइन 180 और माइनस 30, 150 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 180 माइनस 30 यानी कि यहाँ पे आपका बदलेगा नहीं, तो साइन आपका अगर मैं बात करूँ तो 100 सेकेंड एंगल में है, तो ये आपका 180 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 150 ले सकते हैं यहाँ पे, तो 30 या आप लेंगे यहाँ पे 150, ठीक है। तो यहाँ पे हटाइए a प्लस बी, 30 के जगह पे यहाँ रखें 150, ठीक है, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, ठीक। अब यहाँ से ये कैंसिल, यानी कि 2a बराबर कितना हो जाएगा 0, 6, 5, 11 और 210, तो a बराबर कितना हो गया 105 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, a बराबर 105 रखिए यहाँ पे, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 45 डिग्री, यानी कि दोनों का धनात्मक मान आपका कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग हमें बताइए कि कितना आ जाएगा। 105 डिग्री को चेंज करिए और 45 डिग्री को चेंज करिए, ठीक है, रेडियन में चेंज करना है, तो ये बताइए हमें आप लोग कितना आ जाएगा, आप लोगों को बताना है। अब देखिए कि जैसे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए पाई अपन चार है, तो यहाँ पे 180 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180, 45 आ जाएगा, ठीक है, ए का वैल्यू 45 हो ही नहीं सकता, हटाइए, हमें ए का वैल्यू 105 चाहिए, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 7 × 180/12, तो 6 से काटिए, 6 से 3 बार में 30 बार में, और 6 × 2 = 15, 15 × 7 = 35, 105 × 12, 105 आ गया आपका, सॉरी 105 आ गया केवल, और यहाँ रखिए तो 45 आ जाएगा, तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो 2011 की पॉलिटेक्निक परीक्षा जो उत्तर प्रदेश की हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए कि आप लोग इसको करके हमें दिखाएंगे, कमेंट कर देंगे कि इसका आंसर क्या आया। टेन थीटा इक्वल टू, अगर मैं बात करूं कि m अपॉन m प्लस वन है और टेन फाई इक्वल टू दिया हुआ है आपका m प्लस वन अपॉन m है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये गिवन डेट है आपको क्वेश्चन में, और फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई बराबर क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करके दिखाना है कि थीटा प्लस फाई बराबर क्या होगा। और ऑप्शन सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें दिया हुआ है आपका 1/m × m+1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों 2m − 1/2m × 1 + m+1, ठीक है, ये दिया हुआ है, सी आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0, और डी ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो π/2 दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन कर लेने हैं और इसका वैल्यू निकाल के दिखाना है हमें थीटा प्लस फाई का मान क्या होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं बात करूं कि आपका जो है कि ये प्रावैधिक शिक्षा परिषद की अगर मैं बात करूं तो ये 98 में पूछा गया क्वेश्चन है, सन 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए कि क्या है। तो क्वेश्चन है आपका साइन
सिक्स एक्स, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों साइन सिक्स एक्स का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, यानी कि वैल्यू क्या होगी इसकी, कि वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए। ऑप्शन सुन लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन सुनिए क्या दिया हुआ है इसका, सिक्स साइन एक्स दिया हुआ है इनटू आपका दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस थ्री, दिया हुआ है आपका 32 साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स दिया हुआ है। बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं तो 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं तो 6 साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स साइन 6x। चौथा दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं तो 3 साइन एक्स 2x cos 2x माइनस 16 साइन क्यू 2x और दिया हुआ है cos का पावर क्यू 2x और यहां पे आपको 2x दिया हुआ है। ठीक, ये दिया हुआ वैल्यू आप कैसे निकालेंगे इसको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही जटिल क्वेश्चन है, दिखने में बस छोटा है लेकिन घाव करेगा बहुत गंभीर मेरे प्यारे दोस्तों। तो दिखने में ही बस छोटा है लेकिन घाव बहुत तगड़ा करेगा ये। तो देखिए इस ऑप्शन को देख के आप लोगों को कहीं कहीं नहीं लग रहा होगा कि ऑप्शन कौन सा होगा सही, तो देखिए उसको कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको समझिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इसको कैसे करेंगे समझिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसको समझना है आप लोगों के लिए क्या है। देखिए साइन की अगर मैं बात करूं 6x को क्या करें, ब्रेक कर दें तो लिख सकते हैं कि साइन 3x प्लस 3x। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए, यानी कि साइन 3x इंटू कॉस 3x प्लस कॉस 3x इंटू साइन 3x हो जाएगा कि नहीं। आप बताइए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x लिख सकता हूं या नहीं। देखिए 3x यहां भी है, 3x यहां भी, sin 3x और sin 3x, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 sin 3x into cos 3x। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि sin 3x और cos 3x बराबर, sin 3x बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोग हमें बताएंगे कि क्या होता है। होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, और ये उल्टा हो जाता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये उल्टा हो जाता है, ये होता है आपका 4 कॉस क्यू एक्स माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 कॉस एक्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये वैल्यू रख देता हूं मैं यहां पे वैल्यू रख दिया मैंने, तो साइन 3x का वैल्यू रखिए 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ठीक है, इंटू 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करा दीजिए 2, देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स माइनस 9 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, ये देखिए 16 साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 12 कॉस एक्स इंटू साइन क्यू एक्स, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं यहां से। अब मैं कहूं आप लोगों से कि यहां से साइन एक्स और कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा आपका 12 कॉस एक्स यहां पे बच जाएगा माइनस 12 कॉस एक्स बच जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स यहां से क्या बच जाएगा 9, यहां से क्या बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों
यहाँ से आपका बच जाएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा कॉस आ गया साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा यानी 12 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है तो अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं बात करूँ कि 2 और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और यहाँ पे 12 है यहाँ पे 12 है तो 12 कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों का स्क्वायर एक हो जाएगा तो 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3 और 3 माइनस यहाँ पे 16 हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक अब एंट्री करवा दीजिए इनका तो 3 दूना 6 ठीक 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 32 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब मिलाइए कि 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 32 साइन जो है आपका क्यू हो जाएगा क्योंकि ये एंट्री लेगा तो यहाँ पे क्यू और यहाँ पे भी क्यू हो जाएगा। ठीक है तो साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स तो इस क्वेश्चन का बी जो आंसर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा सॉरी ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आगे बढ़े। ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए आज कितना कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कब पूछा गया ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों तो ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका अगर मैं बात करूं तो जो है कि 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है देखिए उसको समझिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्या है दिया हुआ है आपका कि गिवन डेट है टेन ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है एक्स और टेन ए माइनस बी बराबर वाई दिया हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों तो पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a का मान निकालना है कि क्या होगा। ऑप्शन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है उसको समझिए ऑप्शन देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इसके लिए x प्लस वाई अपॉन में दिया हुआ है आपका 1 माइनस एक्स वाई दूसरा ऑप्शन सुनिए क्या दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई तीसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है x प्लस वाई और x माइनस वाई तीसरा ऑप्शन की अगर मैं बात करूं कि क्या दिया हुआ है तो तीसरा दिया हुआ है x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो कैसे हल होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि tan 2a दिया हुआ है इसको आपको हल कर लेने हैं tan 2a कैसे हल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो बताइए इसको कैसे हल करेंगे आप लोग बताइए हमें कि देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है क्या कैसे हल करेंगे सीधे tan 2a बराबर tan a प्लस बी ठीक है प्लस tan a माइनस बी अपॉन क्या करना है 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी इसी पर रख दीजिए तो tan a प्लस बी एक्स है प्लस ये y है 1 माइनस tan a प्लस बी एक्स है और y है तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों सीधे सीधे ये हो जाएगा पहला इज राइट फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने दिए हैं आप लोगों के लिए वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो है कि करके हमें कमेंट में कर देना है कि इसका आंसर सर ये होगा मैं अगर जो नहीं आएगा उसको मैं बता दूंगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और आप लोगों से कहूंगा कि पढ़ते रहिए पढ़ाई को मत छोड़िए अगर अच्छे कॉलेज को प्राप्त करना है तो अपने लक्ष्य पे दृढ़ संकल्पित रहिए तो यही कहूंगा लास्ट में।